जिमनी इलेक्शन में मुलाकात हुई थी। अच्छा, क्या मसला क्या बताया? मैं यहाँ 7.5 माह से इन्हें बुनियादी हकूक के लिए बैठा। किसके बुनियादी हकूक? रियासत के, आवाम के लिए। आवाम के लिए इन्होंने मार्च भी एक शुरू किया था। मैं मिंबर से जना मुजरबा तक गया 3 गधे को उठी लेकर, वहाँ से उस बेख्तियारी गवर्नमेंट ने मुझे मजबूर किया। मैं यहाँ अगर चौथा मई से बैठा हूँ, आज 7 माह 12 दिनों के यहाँ बैठे। मेरी आपसे जाना, जब जमीनी इलेक्शन हुआ था तो उस वक्त एक मुलाकात हुई थी। तो अब हम क्या खिदमत कर सकते हैं? आपने हुकूमत से मुतालबा? मैं बिल्कुल हुकूमत को रिटर्न भी भेजे, रजिस्ट्री भी भाई भेजे, लेकिन निज़ाम देखें, आप 5 साल वज़ीर आज़म रहे हैं, कोई भी आप पर एक भाई का कोई इल्ज़ाम आया कि 5 साल दौर में आपने ये कर दिया? बाकी सबके लिए आता है ना, ये जो ब्यूरोक्रेसी बैठी है नीचे, ये ब्यूरोक्रेसी कोई चीज़ किसी भी हुकूमत के सामने नहीं जाने देती है। ये ब्यूरोक्रेसी का एक कमाल है। नहीं तो आपने फारूक यादव वगैरह से बात नहीं की? मैं की है, जब मैं क्या कहता है फारूक यादव, उन्हें राजा निसार साहब को भेजा। राजा निसार साहब के साथ मेरी 2017 में जब डिबेट हुई थी, उन्होंने मुझसे 1 साल का वक्त मांगा था। 1 साल के उस वक्त में उन्होंने एक राय के दने रोड़ा काम नहीं किया। मैं 1 साल के बाद मिंबर से जब 3 गधे की ऊँटी लेकर मुजफ्फराबाद की तरफ आया, 38 दिन के बाद पैदल पहुँचा जी, तो पहले दिन तीसरे दिन तारिक फारूक साहब से डिबेट हुई। जब वो आज़ादी साहब से राय के अकबर के पहुँचे तो वहाँ उन्होंने सरेंडर कर दिया। देखें कि अहले कलम को जब आप दबाएंगे तो क्या बनेगा? एक सच सामने नहीं आएगा तो कैसे बात बनेगी? मैं तो स्टेट को क्यों जाना चाहता हूँ। 1993 में मैंने एक काम शुरू किया था, जब आप पहले वज़ीर आज़म बने तो मैं रास्ते में से जा रहा था। इज्तमाही बात है, मेरा जाती कोई इशू नहीं है, और मैं कभी भी इलेक्शन का उम्मीदवार किसी हल्के से मैं इलेक्शन का उम्मीदवार भी नहीं होगा। अच्छा, शायद आपको बुलाना पड़ जाए। हमें आप जैसे लोग चाहिए। आपके पास आए हैं तो अब इसको आप क्लोज कर दें, अब कैंप को उठा दें, कैंप को उठा दें। देखें कि जब तक वो आपके पास नहीं, मैं तो इज्जत पर पहुंच चुका हूं। देखें कि मैं इस वक्त इज्जत पर हूं। महमूद सागर साहब, ये मुस्तकबिल की गवर्नमेंट आपके पास आई हुई है ना, तो फिर अब कैसे भी है कि वो यहाँ समय पर पता है क्या नहीं है यहाँ बैस में। आपने पूरी तवज्जो दिलाई है, मैं भी हाजिर हुआ हूँ, मीडिया वाले लोग भी आपके साथ हैं, बल्कि 7 माह से साथ दे रहे हैं सर, लोग आपका बता भी रहे थे। लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा टेंशन हो सकती है अगर आप मुजफ्फराबाद में पड़े। हम अपने साथियों से भी कह सकते हैं, लेकिन मैंने वहाँ से मेरे जब क्वाले के मकाम पर मेरा सामान जब्त हो गया, वहाँ मैं 18 दिन भूख हड़ताल करके बैठा रहा। मेरी बात हुई 3 अप्रैल को, मेरी बात हुई, उन्होंने इतनी बेबसी का इजहार किया, हर बात पर झूठ बोलते हैं। देखें अगर 50 करोड़ रुपया पिछले इलेक्शन में नरेंद्र मोदी का उनको ना मिलता तो वो जाना 32-36 सीटें लेने की पोजिशन में आते। नहीं ये तो हमारा नहीं, कुछ बातें मैं और भी यहाँ नहीं ना कर सकता ना। मैं तो देखें कि आपसे ज्यादा मुझे जो है ना, वो जो है ना, जो जिन पर मिट्टी पड़ चुकी है आपके बुजुर्ग, मेरे लिए हो जाता कबरे इतना में मेरे हर प्लेटफॉर्म पर वो आकर वो खड़े होते थे, माजरे शुमारी के प्लेटफॉर्म पर। मैं 34 साल माजरे शुमारी से रह रहा हूँ। अच्छा जी, मैंने कहा ना कि पिछले जिमनी इलेक्शन में मेरी आपसे मुलाकात हुई थी। मैंने आपको बेसिकली कहाँ से? मैं कोटली का रहने वाला हूँ। कौन से? कोटली शहर से? कोटली शहर से। मैं उनकी बड़ी ज्यादती है फारूक कदीर, मुझे पहले से। अब देखें आपके पास कोई नहीं आया, बैरिस्टर साहब आपके पास आए हैं ना। नहीं वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम इस पर डिबेट करने के लिए तैयार है ना, बैठेंगे आगे चलेंगे ना। नहीं अपनी जद्दोजहद को आप सुने, आप अपनी जद्दोजहद को जारी रखें, कैंप को बैरिस्टर साहब के आने से आप कैंप को खत्म कर दें, मुजफ्फराबाद शिफ्ट कर लें, ताकि आप बिल्कुल आपके ये पाकिस्तान में क्या फायदा। नहीं नहीं ये कहें कि हमारा करेंसी किसकी है, वजीर मुल्क किसका है, 5 सिलेंडर अफसर इसके होते हैं वहाँ, उन्हें वो बेख्तियार है ना, उनके सामने जाकर वो क्या करेंगे? उन्होंने मुझे हुकूमत तो वही है नहीं, अगर मैं वहाँ जाऊँगा एक अफरा तफरी का आलम जो बनेगा, मैं इसलिए वहाँ मैं लोगों को अजूम को क्यों दूर भगाता हूँ। 29 मई 2012 कोटली की तारीख का, आज़ाद कश्मीर की तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज था, प्रोटेस्ट था। आज भी गोरी जिसम के असामा के नामी जो उस वक्त 18 साल का था, आज उसके जिसम का हिस्सा बनी हुई है गोली, अभी तक नहीं निकल नहीं सके, आज 24 साल का है। मैं वो बात नहीं कर सकता जिसकी वजह से तोड़ फोड़ हो।
जो तब्दीली आई है ना वो ये है कि चीफ सेक्रेटरी आईजी भी चेंज हो गए, सभी गए, वो आपकी बिल्कुल 100% आज अगर देखिए मैं यहाँ बैठकर आप एक मिडिल जैसे गवर्नमेंट से बात बनती है उसको अब रोल अदा करें। देखेंगे मैं वो बदनसीब हूँ जिसके कहने पर आजाद कश्मीर के अंदर नसाब पढ़ाना बंद किया गया, 19 साल तक पढ़ी जाने वाली किताब मेरे कहने पर बंद है। बात आप मेरी सुने, जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है और हम उसकी हमायत करते हैं, हम उसकी हमायत करते हैं, हमने भी इसी किस्म की बातें उठाई हुई हैं। लेकिन मेरा ये कहने का सिर्फ आपसे गुजारिश ये है कि ये अगर आप मुजफ्फराबाद में करें, इवन कोटली में भी है, तो वो ज़्यादा मौसर हो सकता है। यहाँ ये पाकिस्तानियों के साथ अलग नहीं है, ना वो समझते हैं क्या अलग है क्या नहीं है, ना आपको सपोर्ट मिल सकती है यहाँ पे उस तरह। जो हमने सपोर्ट करनी थी मीडिया से हमने की है, सबका मिशन हुकूमत छोड़ के लिया आपने, उसके बसियत मशीर हुकूमत में से एक डिबेट की तो मुझे लोगों का ताना सुनना पड़ गया। आप बरादरी के कहने पर वलीउर रहमान वजीर ममलकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मेरे पास है तो मैंने कहा बात होगी तो किसी वजन की किसी तारीख में होगी। अलबत्त मैं वलीउर रहमान के साथ तो मुझे क्या कहते हैं लोग मौजूद हैं मीडिया वहाँ अटेंशन ना दे, पीटीआई मुजफ्फराबाद नहीं वहाँ पे भी हम देखे हम मुजफ्फराबाद में भी का लेबल लगेगा कि बारिश सुल्तान महमूद है तो उसके कहने पर ये उठाकर उड़कर आ गया तो मैं इससे बचना चाहता हूँ, मैं ब्रादरिज्म की तरफ नहीं जाना चाहता हूँ। मेरी मुश्किल थी मैं इंसानों की तरह मैं इसलिए कहता हूँ ना, इसलिए ये पागल है। आप रोल बनता रोल अदा करें, रियासत को दूंगा मैं, पाकिस्तान को वो चीज़ दूंगा कि जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मेरा क्लेम है 12 चीज़ों के बगैर बिजली पैदा होने का। 1993 में मैंने ये आप एक रोल अदा करें नहीं वो बैरिस्टर साहब करेंगे ठीक है ना। मैं एक मुश्किल मेरी बात हमारी वजह से ही आप टेम्पो उठा दे। आज जगह बैरिस्टर साहब आपके पास आए हैं ठीक है, गंदा मर चावल खाए हुए मुझ पर यहाँ एक नज़्म लिखी गई है किसी ने लिखी है और दुश्मनी में इसी आते में अब वो बड़ी उसने कहा है ये कैसी भूख हड़ताल है उसके आ रहे बंद के साथ भूख हड़ताल का लफ्ज लिखा हुआ है वो भी मेरे पास आ चुकी है। ये कहेंगे मैं कुछ देना चाहता हूँ, मैं कुछ देना चाहता हूँ, मैं लेना नहीं चाहता हूँ, जब मैं देना चाहता हूँ तो मैं इनके लिए फायदा होगा ना। देखें वो आप देखें ये एक अपना रोल आस्ता आस्ता अदा करें। हमारी ख्वाहिश है आप नहीं मैं यहाँ से वापस मैं कसम उठा चार मैं देखो मैं एक बात अगर कोई राजा अगर खड़ा होता यहाँ अभी तक एक सेकंड में वो उठ जाता मेरा ब्रदर का होता। आप जो मर्जी करें मैं इसलिए पहले बहुत मुझे आपको पता नहीं कितने होंगे मैं 84 में 13 डके थे चोरी के बगावत के मुकदमे का मुर्जुम बन गया। मैंने अपने अपने होता इस वक्त तक वो आप जो मर्जी के मैं ठंडा खाने का मुझे कल चाहिए, मुझे मुल्क चाहिए, मुझे रियासत चाहिए तो वो इंशाल्लाह इस चीज को लेके आगे चलेंगे ना, लेकर चलेंगे वो बात आगे चलेगी ना ठीक है ना, ऐसे तो नहीं होएगा ना। ये आज ठीक है ना, ये आज हाईलाइट हो गया नहीं, मैं बरादरी का मैं उस लिबास को मैं जैन का गाली करेंगे आज का इस पूरे अंदर जो खड़े है ना उसका सर मुझे नहीं पता कमाल सब खड़े मुझे नहीं पता कमाल सब खड़े अगर मैं वो बात करूं तो क्या होगा मैं नहीं ना जानता मैं अगर लफ्ज कमाल कमाल निशा साहब कमाल हैदर साहब ये आपको मेरे पास ये दो आदमी लेकर आए, इन दो के पीछे मेरा तीसरा आदमी है जो अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा, वो तीसरा आदमी नहीं है वो भी अहले कलम है, शेयर होल्डर है वो भी नहीं अहले कलम है, अहले कलम है जिसे ये भी जानते हैं। देखिए बैरिस्टर साहब आपके पास आए, अच्छा ये उनका नाम है तो मेरे सबसे पहले उन्हें प्रेफरेंस दी है बातें के सबसे पहले साथी साहब भी कह रहे हैं जब देखें कुछ आप देखें हम चाह रहे हैं कि आप यहाँ से क्लोज करें। मेरी बात सुने इतनी सर्दी में ये सारे सर्दी नहीं जानदारों की बात करता हूँ मेरे मौसम है मेरी इनसे बासियत वज़ीर-ए-आज़म जब मुलाकात हुई
जब वज़ीर-ए-आज़म मुलाकात हुई तो मैंने चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर से वहाँ जाते हुए अपनी एप्लीकेशन का पूरा मुद्दा जो है ना तब्दील कर दिया कि कहीं ये इल्ज़ाम ना मेरी फाइल पर आए कि बरादरी से ये नहीं सिर्फ मुफादात हासिल की है। जब मेरे खिलाफ चौधरी अब्दुल अजीज़ एडवोकेट फॉरवर्ड कोटे वाले मेरे खिलाफ मखालिफ वकील हाईकोर्ट में पेश हुए तो उन्होंने कहा यह जियाला था, जबकि मैं पीस पार्टी का नहीं हूँ। पीस पार्टी बट्टों की वजह से तो मेरे जिस्म पर कपड़ा जरूर है, बट्टों की वजह से मेरे जिस्म पर कपड़ा जरूर है। आप एक रोल अदा करें, आप रोल अदा करें इंशाल्लाह वो चीज देंगे कि आप 30-60 डॉलर जो कर्जा है ना ये इंसान आपकी जुत्ती के बराबर धूल के बराबर है। आप एक रोल करें, हाँ हाँ वो अदा आ रही है।